जेम्स मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। माई डियर फ्रेंड्स एंड माई व्यूअर्स, आई एम मैक्स जेम्स मोटिवेशनल स्पीकर। आई एम जस्ट फॉर टॉकिंग यू द स्पेशल टॉपिक। जैसे कि हम जानते हैं कि डिफरेंट टॉपिक्स में लेकर आता हूँ ताकि हम सीख सकें, हम जान सकें कि क्या है। माई डियर, आज जो टॉपिक है वो है बेरोजगारी क्या है। ये एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है जिन्होंने मुझे कहा कि सर इस पर वीडियो बनाया जाए, बेरोजगारी क्यों है, क्यों होती है, क्या वजह है इसकी। माय डियर, बेरोजगारी जो है, कहा जाता है कि बेरोजगारी हमारे मूल पाकिस्तान में अगर देखा जाए या इंडिया में देखा जाए तो बहुत डिफरेंट एंगल्स में देखा जाता है। पहली बात है कि जो हमारी एजुकेशन है, जो हम एजुकेशन लेते हैं, अगर हम 100% एजुकेशन हासिल करते हैं, हमें 30% को जॉब मिलती है, 70% पीछे हो जाते हैं। इसके अलावा एजुकेशन पॉइंट से बता रहा हूं, जो हमारे में काबिलियत है, जिसके बारे में मैंने स्टडी की है, वो मुझे जॉब नहीं मिलती और दूसरी मिल जाती, हम वो ले लेते हैं, ये भी एक बेरोजगारी है। बेरोजगारी एक्चुअली जो है, गरीब जो डेली वेजेस है उनमें है, जो बेचारे डेली काम करते हैं, कई दफा उनका काम लग जाता है, कई दफा नहीं लगता, बेरोजगारी है। एक मुल्क की बेरोजगारी होती, मुल्क की सिचुएशन जो चलती रहती है डिफरेंट एंगल्स में, सियासत या जो उनके काम है वो बढ़ा देते हैं। हम तकरीबन डिफरेंट एंगल्स में टैक्स पे करते हैं, टैक्स हमसे लिए जाते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, कुछ वैसे अंडर टेबल भी चलते हैं, रिश्वत, ये भी बेरोजगारी में आता है। बेरोजगारी से देखें, अगर हम देखें बेरोजगार जो है, जो भी शख्स होता है, हम एजुकेशन तो हासिल कर लेते हैं लेकिन हमें उसके मुताबिक जॉब नहीं मिलती, या हम डिग्रियां लेकर घूमते रहते हैं, हमें जॉब नहीं मिलती। गवर्नमेंट सेक्टर में हम देखते हैं 5% को जॉब मिलती है और उसमें अंडर टेबल भी मिलती है, बाकी सारे प्राइवेट्स में जाते हैं। मैंने बताया जैसे 70% जो है, जो जितनी एजुकेशन होती है उनको जॉब नहीं मिलती, 30% को मिलती है, उनमें 5% को गवर्नमेंट में मिलती है, उसमें भी रिश्वत चलती है और ये सारी बेरोजगारी में आता है। मैं समझता हूं बेरोजगारी जो है, जो दिन में खाना अगर किसी को मिल जाता है तो मैं कहता हूं कि ये खुदा का शुक्र करना चाहिए, खुदा को हम कहते हैं कि ये उसने दिया, क्योंकि बीइंग अ क्रिश्चियन अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं रोज की रोटी हमें मिल जाए, इस काफी है हमारे लिए। लेकिन हम बेरोजगारी को जब हम देखते हैं बहुत ज्यादा है, लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, बेरोजगारी में बहुत सारे लोग गलत कामों में पड़ जाते हैं। गलत काम क्या है? चोरी शिकारी बहुत ज्यादा होती है, लड़के नशे में चले जाते हैं, बहुत सारे परेशान रहते हैं और गलियों में खड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, ये बेरोजगारी है। अगर उसे रोजगार मिले, कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि करना ही नहीं चाहते हैं, वो तो एक लहरा बेरोजगारी है ना, जो दिल ही नहीं उनका करता कुछ काम करने को, जो करना चाहते हैं जब उन्हें जॉब नहीं मिलती, कोई काम नहीं मिलता, वो फिर गलत रास्तों में चले जाते हैं। कहते हैं पॉकेट मार, हम लूट मार करना शुरू हो जाते हैं, जहां से भी कुछ मिले हम ले लेते हैं और ये सारी बेरोजगारी में आता है। देखें, मुल्क को चलाने के लिए हमें अच्छे पैमाने पर सोच रखनी चाहिए। हम इधर उधर से कर्ज लेने की बात करते हैं कि हमें कर्ज मिलना चाहिए, लेकिन कर्ज जो है वो बहुत बड़ी एक लानत होती है। कर्ज को लेना एक और ज्यादा बोझ करना, बेरोजगार करना। जो मुल्क है ना, वो जो डिफरेंट कंट्री से या डिफरेंट बैंक से जो कर्ज लेते हैं वो भी बेरोजगारी में आ जाता है। जैसे कि हम सोचते हैं कि हम अपने फैमिली को कैसे रन करें। अगर हम एक अपनी फैमिली में होते हैं ना, तो अगर सारे नहीं कमाते हैं या सारे काम नहीं करते हैं, वो भी बहुत परेशानी का आलम है।
कि कुछ बच्चे काम करते हैं, कुछ को जॉब नहीं मिलती, कुछ डेली वेजेस वाले हैं और वो काम सही नहीं चलता है और लाइफ अच्छे तरीके से नहीं चलती। मैं समझता हूं अगर हमें अच्छे तरीके से चलना है, अच्छा काम करना है, तो हमें अच्छे तरीके से अपने आप को लेकर आना है। बेरोजगारी उसी वक्त खत्म हो सकती है जब हम हमारी पॉजिटिव सोच हो, जो भी काम मिले हमें करने की जरूरत है, हमें उस एंगल पर करने की जरूरत है और हमें अच्छे से अच्छा मौका मिलना चाहिए। हर किसी को मौका मिलना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक लीडर जो है या अच्छी मैनेजमेंट जो है, जो कि मुल्क की मैनेजमेंट, वो अपने लोगों को रन करें। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमारे मुल्क में आबादी ज्यादा है, वो साई कम है। अब देखें बहुत सारी आबादी है, हम कैसे उसको इक्वल कर सकते हैं। हम कहते हैं ना कि खुदा, बच्चे जितने भी हों खुदा देगा, ठीक है खुदा देता है, अता करता है, लेकिन हम अपने आप को देखें, मैं कितने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकता हूं, कितने में अच्छे तरीके से उनकी परवरिश कर सकता हूं ताकि वो अच्छे इंसान बन सके और अच्छे वो लीडर या कुछ भी जो अच्छे शहरी बन सके। मैं समझता हूं जब ये हमारा ख्याल आ जाता है पॉजिटिव कि अच्छे शहरी बनाना, अच्छे पाकिस्तानी बनाना, अपनी कंट्री के साथ वफादार होना, ओबीडियंट होना, ये सबसे बड़ी बात है। जब अपने मुल्क के साथ वफादार नहीं होते ना हम, तो बेरोजगारी ज्यादा होती है। हम इधर उधर से मारने की कोशिश करते हैं, इधर उधर गलत कामों के चक्रों में लगे होते हैं, जो अगर हम अपने मुल्क के साथ, कोई भी मुल्क हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो या कुछ भी, लेकिन हम अपने मुल्क के साथ अगर वफादार हैं तो मैं कह सकता हूं उस मुल्क में बेरोजगारी नहीं हो सकती। बेरोजगारी खत्म करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि मुल्क के लीडर को अपने कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ वफादार होना है ताकि वो जो कुछ भी है अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें और लोगों को भी अपने मुल्क के लीडर के साथ और अपने मुल्क के साथ वफादार होने की जरूरत है। उनको ऐसा पैशन होना चाहिए, जो भी काम है मुझे सबसे पहले अपने मुल्क का फायदा सोचना है, अपना नहीं। अगर हम ये सोचते हैं तो हम एक अच्छे पाकिस्तानी, अच्छे कंट्री के लोग हो सकते हैं, अच्छे शहरी हो सकते हैं और अच्छे इंसान बन सकते हैं। अगर हमारे में अच्छी इंसानियत नहीं है तो हम वाकई बेरोजगार हमेशा रहेंगे। बेरोजगारी उसी वक्त खत्म हो सकती है जब हम अपने आप को ठान लें कि मैंने अपने मुल्क के साथ वफादार रहना है, अपने शहर के साथ, ताकि वफादारी के साथ मैं काम करूं, जो भी काम मुझे मिलता है। हम कहते हैं ना अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड और दूसरी कंट्री क्यों वो बेहतर हैं, क्यों वो फर्स्ट वर्ल्ड कहलाते हैं, हम थर्ड वर्ल्ड कहलाते हैं। इसकी वजह यह है वो अपने शहरियों को हकूक देते हैं, फ्राइज देते हैं, जो काम वो कहते हैं वो करते हैं, उनको इक्वालिटी देते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, कोई भी शख्स हो, सबको वो इक्वल जानते हैं। एजुकेशन में हो या कुछ भी दूसरे कामों में हो, सबको इक्वलिटी देते हैं, लेकिन हम किसी को इक्वल नहीं समझते, इक्वल नहीं जानते हैं। इक्वलिटी जब हम नहीं करते ना, एक्चुअली इसमें क्या है, वफादारी नहीं है। हम अपने मुल्क के साथ वफादार नहीं है, अपने साथ वफादार नहीं है, अपने फैमिली के साथ वफादार नहीं है। जब यह नहीं है तो हमारे ये बेरोजगारी जो है कोई भी मुल्क को रहेगी और चलती रहेगी। तो इसमें माय डियर फ्रेंड्स, हमें वफादारी के लिए पॉजिटिव सोच रखनी है और हम जब वफादार होते हैं ना, फेथफुल होते हैं अपने मुल्क के साथ और अपने आप के साथ और अपने शहर के साथ, तो हम अच्छे शहरी भी हो सकते हैं, अपनी कंट्री के साथ वफादारी कर सकते हैं और हमारे मुल्क में बेरोजगारी नहीं होगी। और इस चीज को जाने जब हम होंगे, हम कहते हैं ना अमेरिका, बर्तानिया, इंग्लैंड, ये जितने भी हैं, या फ्रांस, यूरोप, जितने भी हैं, वो बहुत आगे चले गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनमें इक्वालिटी है, सब कुछ इक्वल देते हैं, लेकिन हम नहीं देते। हमारे हॉस्पिटल में चले जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हम अच्छे तरीके से उनको मेडिसिन नहीं देते, ये क्या है। अगर हम चले जाएं एजुकेशन में, हम अपने बच्चों गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी एजुकेशन नहीं हम दे पाते हैं, लोग भी प्राइवेट्स में जाते हैं, क्यों,
या जो भी हम काम करते हैं हमें वफादारी के साथ काम करना है। हम देखें कराची कहते हैं रोशनियों का शहर, इसमें देखें इसमें जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, क्या वफादारी हम करते हैं? हर एक शहरी को वफादारी दिखानी है ताकि वो कचरा जो है वो एक सही जगह पर रखा जाए। हम ना देखते किसी का घर के सामने, ना देखते रोड, ना कुछ, हम कचरा फेंक देते, चलो मेरे सर से मुसीबत गई, अभी वो लोग जाने और वो जाने। गवर्नमेंट क्या करे? हमें वफादारी दिखानी है, हमें फेथफुल होना है अपने साथ और मुल्क के साथ। जब हम अच्छी जगह पर कचरे को फेंकेंगे जो उसकी राइट जगह है, राइट प्लेस है, तो वाकई हम अपने आप को करते हैं। हम अपना काम नहीं सही करते फिर दूसरों को क्यों हम कहते हैं? इसलिए सबसे पहले अपने आप के साथ वफादारी दिखानी है ताकि ये जो अपना मुल्क है साफ सुथरा हो, अच्छा हो। मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। हम देखते हैं इस्लामाबाद को, लाहौर को और एबटाबाद, गगान नरान, बहुत खूबसूरत शहर हैं। वाई वहां पर कोई कचरा नहीं, कोई कुछ नहीं, वहां पर लोग वाकई एक दूसरे के साथ वफादार होते हैं, डिफरेंट एक दूसरे के साथ वाकई निभाते हैं, साथ निभाते हैं, फेथफुल होते हैं, इसलिए वहां पर अच्छा है। तो हम भी एक मुल्क को, अपने मुल्क को अच्छे तरीके से, अपने शहर को वफादारी के साथ फेथफुली हम करें तो मैं समझता हूं बेरोजगारी खत्म हो सकती है। तो माय डियर, ये मेरी छोटी सी बात थी जो मैंने पहुंचाई। इस मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि हम सीख सकें, जान सकें कि किस तरीके से हम ये काम करते हैं और कैसे करते हैं। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट्स करें और जरूर इसको सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जो कि वाकई आपकी ज़रूरत है, जो आप चाहते हैं कि आपको मिल सकें। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।